अमीर अपने ऊपर किए गए एहसान को तुरंत भूल जाता है, लेकिन गरीब ताउम्र उसे कर्ज समझ के चुकाने का प्रयास करता है। ताजा उदाहरण की बात करें तो रेलवे स्टेशन पे गीत गाकर अपना गुजारा करने वाली रानू मंडल और अतिन चक्रवर्ती का है। पेशे से इंजीनियर अतिन चक्रवर्ती ने सबसे पहले रानू का वीडियो बनाया और उसे यूं ही फेसबुक पर डाल दिया। रानू की किस्मत अच्छी थी, वीडियो वायरल हुआ, हिमेश रेशमिया की नजर में आया और रानू रातों रात शोहरत और दौलत में खेलने लगी। लेकिन रानू अतिन चक्रवर्ती को भूली नहीं थी। आज अतिन चक्रवर्ती उसके मैनेजर हैं। रानू आपको दिल से सैल्यूट। रानू मंडल के बारे में मीडिया में और भी बातें चल रही है, जैसे कि रानू मंडल के ऊपर फिल्म बनने जा रही है, रानू मंडल ने सलमान खान के लिए गाना गाया है, इसी तरह से कई सारे खबरें चल रही है। रानू के जिंदगी पर बनने वाली फिल्म के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म को निर्माता और निर्देशक दोनों ही होंगे ऋषिकेश मंडल। इस फिल्म की जो शूटिंग है वो सितंबर से शुरू भी हो जाएगी। रानू मंडल ने सिंगर सिद्धार्थ राय के कुछ गीतों को भी आवाज देंगे। मीडिया में तो ये भी खबर है कि रानू मंडल फिरोज खान के घर काम करती थी। रानू के बारे में ये जानकारी सामने आ रही है कि फिल्म निर्देशक और अभिनेता फिरोज खान के घर पर वो पहले काम कर चुकी है। फिरोज खान के घर पर रहकर वो खाना बनाने और साफ सफाई का काम किया करती थी। फिरोज खान के एक्टर बेटे फरदीन खान और निर्देशक भाई संजय खान का केयर करती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सलमान भाई ने रानू को एक आलीशान घर दिया है। इस घर की कीमत लगभग 55 लाख बताई जा रही है। ये खबरें कितनी सच्ची है इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मीडिया में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। मीडिया में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 में ही रानू को मौका देने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार।